कर देना, मैं इसमें कर दूंगा। ये भी 180 लग जाएगा, बाकी 180। ये नंबर 5 है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फेम एंड ब्यूटी व्लॉग। मैं हिना आप सबका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। बैग मैंने कम्प्लीटली पैक कर लिया है। यहाँ पर हस्बैंड के लिए मैंने कपड़े निकाल के रख दिए थे क्योंकि वो ऑफिस में थे, वो आएंगे चेंज करेंगे। और यहाँ पर मेरे अपने कपड़े निकले हुए थे, हालाँकि मैंने बाद में कोई और ड्रेस पहना था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पहना हुआ था। सो ये हस्बैंड आ गए थे, हम लोग ने चेंज कर लिया था और यहाँ पर मैं तैयार हो गई। सो यस, ये ड्रेस मैंने पहना था और बस हम लोग जाने लग रहे थे। हमने सिर्फ लॉक किया जल्दी जल्दी से अपने घर को और यहाँ से हम लोग फिर निकल गया अपनी जर्नी के लिए। बाय द वे, हस्बैंड बाहर मेरा वेट कर रहे थे, मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। सो मैंने जल्दी से ये पॉली बैग उठाया और लॉक उठाया और सब डोर्स वगैरह चेक किए प्रॉपर लॉक है या नहीं, गैस चेक किया कि लॉक किया है कि नहीं, क्योंकि निकलने से पहले ये सब ज़रूर चेक करना होता है। और फिर यस, यहाँ से हम लोग चल दिए। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। सो थोड़ा इंतज़ार तो बनता है भाई। सो यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों ये वीडियो बना रही थी, अपने शूज़ की सीढ़ी पर उतर रही थी। एक्चुअली मैं, मेरा कंसंट्रेशन उतरने पर था और वीडियो ऑन था तो बनता चला गया। सो यहाँ पे मैं गाड़ी अपने बैग करके निकाल रही थी, हालांकि ड्राइव हस्बैंड नहीं किया था, बस मैंने बैग करके गेट के बाहर कर दिया क्योंकि दो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो पीछे वाले को हटानी होती है, देन हम लोग अपनी कार निकालते हैं। सो मैं यहाँ पर हस्बैंड का वेट कर रही थी, उसके बाद फिर वो आ गए और हम लोग चल दिए। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सबसे पहले डीजल का टैंक फुल करा लिया ताकि आगे हमें कहीं भी रुकना ना पड़े और डायरेक्ट हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए। एक्चुअली इधर कंटिन्यूसली हस्बैंड की भी छुट्टी थी तो हम लोग का प्लान बना कि ये एक्चुअली सडन प्लान था, कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम लोग इलाहाबाद जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ये हुआ कि 4-5 दिन की छुट्टी है तो क्यों ना चल के घर वालों से मिलते हैं, घर पर चलते हैं। तो आ गए थे हम लोग पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल डलवाया, उसके बाद हम लोग की जर्नी हो गई स्टार्ट लखनऊ टू इलाहाबाद। यस, मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन ऐसी छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने निकल जाता है ज़रूर। और ये देखिए कि एक्चुअली मैंने निकाला था अनार का जूस, घर पर मैंने निकाला था तो मैं इतना ही सा बचा हुआ था तो ये लग रहा था इसको क्या करूँ। मैंने तो इस थम्सअप की, मेरे पास एक छोटी सी बॉटल थी, मैंने उसमें इसको फिल कर लिया था कि मैं रास्ते में इसको पी लूँगी। और बस ये इतनी ही क्वांटिटी में था, एक्चुअली ये पूरा हाफ फुल हो जाता क्योंकि हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से तो मैंने उनको एक ग्लास दे दिया था। और फिर मेरे को, मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिला था पीने का तो मैंने इसको बॉटल में फिल कर लिया था कि वहाँ चल के आप पी लेंगे। और ये रही मैं हाय बाय करती हुई आप लोगों को। और यहाँ पर देखिए कितना प्यारा मौसम हो रखा था। हम लोग शाम में निकले थे अराउंड 4 PM और बहुत ही अच्छा मौसम था। और फिर उसके बाद हम लोगों को मिली मार्केट, मार्केट्स में रक्षाबंधन के वजह से इतनी प्यारी प्यारी शॉप्स और उसमें इतनी डिलीशियस मिठाइयाँ रखी हुई थी ना कि मेरा मन कर रहा था बस मैं कार रोक कर वहाँ से वो छीने वाली मिठाइयाँ ले लूँ। बट क्या करूँ, देर हो जाती अगर हम लोग कहीं भी रुकते, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमको रुकना ही था तो हम लोग यहाँ पर बटोई में रुके थे। यस, हम लोग बटोई में थोड़ी देर रुके, हम लोगों ने चाय लिया
और वहाँ की चाय, ओ माय गॉड व्हाट अ टेस्ट। और उनकी सर्विस इतनी फास्ट होती है ना, मुश्किल से हम लोग 15 मिनट्स का हम लोग ने स्टे लिया होगा वहाँ पर। हम लोग ने चाय लिया और छोले समोसे खाए और फिर वहाँ से हम लोग चल दिए। और उस दिन रक्षाबंधन की वजह से इतना रश था वहाँ पर कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग देख ही सकते हो मैंने वहाँ की वीडियो बनाई। मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया सब लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया। मुझे इतना शाय फील हो रहा था वहाँ पर, बट क्या करूँ, अभी अभी नई नई यूट्यूबर हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा सा ये चीज़ अभी नहीं आया है मेरे अंदर, बट हो जाएगा, टाइम होते होते हो जाएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। आप लोग अगर मेरी वीडियोस को लाइक करोगे, वॉच करोगे, तो ज़रूर ज़रूर ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। और फिर यहाँ पर मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था छोले समोसे, हालांकि उसमें हस्बैंड ने भी शेयर कर लिया था। और फिर हम लोगों ने फिर यहाँ पर टिक्कियाँ बहुत अच्छी बन रही थी, तो हम लोगों ने एक टिक्की मंगाई और वो इतनी टेस्टी थी, फिर हम लोगों ने दूसरी भी टिक्की मंगा ली थी अपने लिए। और यहाँ आ गई थी चाय। बस हम लोग ने 15 मिनट्स का ब्रेक लिया था, जल्दी जल्दी से हम लोग खा कर फिर हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा डिले नहीं करना चाहते थे, अदरवाइज़ फिर अंधेरा हो जाता है, फिर रात की जर्नी सही नहीं होती है। हम लोग का ये प्लान था कि टाइम से हम लोग अपने घर पहुंच जाएं। आप लोग पीछे देख रहे होंगे शाम के आई थिंक ये 7 बज रहे थे जब हम लोग वहाँ से निकले हैं। मैक्सिमम हम लोग 9 बजे तक अपने घर पहुंच गए थे। और यस, यहाँ पर भी मैंने अपना कैमरा ऑन किया, बट मैं इधर उधर भी लोग मुझे देखने लगे थे, बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, बट इट्स ओके, मैंने बना लिया किसी तरह। यहाँ पर हस्बैंड मुझे कह रहे थे कैमरा रखो नीचे, बट मैंने कहा नहीं नहीं अभी शुरुआत करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा वो करके होगा, ज़रूर बनेगा मेरे से। सो यस, और फिर देखिए यहाँ पर कितना अंधेरा हो गया था। हम दोनों ही लोग रात की जर्नी बहुत अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें ना बहुत ही ज़्यादा आपको संभाल के चलाना पड़ता है। दिन में ये होता है कि आपने बस गाड़ी चलानी होती है, बस खींचना होता है, जल्दी 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 क्रॉस करके निकल जाओ आप। और रात में आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करनी होती है। और फिर मानिकपुर, आई थिंक मानिकपुर में हम लोग रुक गए थे। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ दो शॉप दिखी थी हमको आम की, तो हम लोगों ने कहा घर वालों के लिए चले आम लेते चलते। अब तो एंड सीज़न आ गया है आम का, इतना अच्छा ये आम था, और अंदर से ये हल्के से पके हुए थे, ऊपर से ग्रीन थे, ऊपर से प्रॉपर ग्रीन थे, लग रहे थे कच्चे हैं, लेकिन अंदर से ही अच्छे खासे पके हुए थे। तो हम लोगों ने ये ले लिया था मेरे घर के लिए और मेरे ससुराल एंड मैं अकेले के लिए, दोनों जगह के लिए हम लोग ने उसमें से एक एक छाट छाट के लिया। और ये देखें, ये हाईवे के साइड में, मानिकपुर में हाईवे के साइड में ही ये शॉप थी, और इधर से ये ट्रैफिक आ जा रही थी खूब तेज़। और फिर उसके बाद, क्योंकि मानिकपुर में थोड़ी देर पहले ही हम लोगों को बारिश मिली थी, और उसके बाद एकदम ये देखिए ये मून लाइट इतनी अच्छी लग रही थी, हालांकि ये कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुई है जितना ये वहाँ पर दिख रहा था। और यस, हम लोग आ गए थे इलाहाबाद। इलाहाबाद में आई थिंक ये कौन सा ब्रिज है मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाला था, इस वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। ये पिलर्स पर ये लाइट लगा रखे थे पूरे में, और पूरे में ट्राई कलर्स की डेकोरेशन कर रखी थी। सच में बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको प्रॉपर डेकोरेशन भी दिखाऊंगी। अभी कुछ ही टाइम में वीडियो ज़रूर आएगी, आप लोग को देखने को मिलेगा 15 अगस्त में इलाहाबाद में किस तरीके से डेकोरेशन कर रखा था। और ये आ गए थे हम घर रात में। रात में मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। इतना अच्छा मौसम, इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना, वाह, एकदम ठंडा ठंडा मौसम था। सो यस फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और भी मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।